सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले मैं मेरा गुरु जी जगतगुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज जो श्री रामदास मिशन के संस्थापक थे, केरल के सभी संतों को इकट्ठा होकर संत समाज बनाया है, वो राम मंदिर का आंदोलन में जुड़ा हुआ है, उनका चरण कमलों पर साष्टांग नमस्कार करते हुए आज 84 वर्ष पूरा होकर हमारे साथ हमको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान महान नृत्य गोपाल दास जी महाराज के चरण कमलों पर भी नमस्कार करके कर रहे हैं और उनका उत्तराधिकारी हमारे प्रिय संत महान कमल देवी दास जी महाराज के चरण कमलों पर भी नमस्कार करते हैं और ये मनसिक का अत्यंत समादरणीय संपूज्य सप्तम पीठाधीश्वर कुबेराधीश्वर अखिल भारतीय संत समिति के पूजनीय अध्यक्ष की श्री कमलनयन श्री अभिजय दास जी महाराज के चरण कमलों पर भी नमस्कार करते हैं और सभी संत पूज्य संत इधर विराजमान है मंच पर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ एक ही पद में। और हमारे सामने ये बड़ा सुंदर हॉल में विराजमान सभा में विराजमान सभी संत लोग और भक्त लोग सबको मैं सादर प्रणाम करते हैं जो मुझे पहले ही बुलाया है। हम सोच रहे हैं हम केरल से आया है, सबसे दक्षिण से आया है, इसीलिए होगा वो भी नहीं होगा कि हमको हिंदी नहीं जानते हैं क्योंकि केरल से आ रहे हैं, मलयालम है मेरा मातृभाषा, लेकिन हम कोशिश करेंगे गलती है तो क्षमा कीजिए। हम कई बार इधर आया है, एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इधर आया है, ये अयोध्या जी में रहने वाला तपा करने वाला सभी संतों का आशीर्वाद हमको मिला है, उसमें हमको बोलना ही है। Thankful, I am very much thankful also to Kṛte Gopāla Dāsa Jī Mahārāj and also Kamalnayan Dāsa Jī Mahārāj. हमने एक रथ यात्रा इधर से शुरू किया है 2018 में, अयोध्या जी से रामेश्वरम तक 8 राज्यों से होते हुए किया है और 2019 में रामेश्वरम से फिर अयोध्या में किया है, वो 9 राज्यों से होते हुए वो भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास के संकल्प में किए थे, त्रेता युग में 14 वर्ष का 14 साल का वनवास पूरा होकर भगवान जी राम जी ने अयोध्या पहुंचकर पट्टाभिषेक किया है, राम राज्य का स्थापना किया है। अगर हमको राम राज्य बनाना है, राम राज्य का स्थापना करना है, राम जी जरूर वनवास के लिए जाना ही है, इसीलिए ऐसा एक संकल्प रखे हुए एक राम राज्य रथ यात्रा 18 और 19 2000 में किया है। 14 महीने का पूरा वनवास पूरा होकर जब भगवान राम जी इधर आ गए हैं, एक बड़ा शोभा यात्रा के साथ भगवान को भरत कुंड से इधर लेके आकर एक
भव्य दिव्य पटाभिषेक किया है। राम राज्य का स्थापना के लिए भी नहीं, सिर्फ नहीं है वो, राम जन्मभूमि में भगवान रामचंद्र जी का दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए ऐसा एक संकल्प रखे हुए किए हैं, वो संकल्प सफल हो गए हैं। आपका प्रार्थना से, राम जी का आशीर्वाद से राम जी का पटाभिषेक पूरा होकर 41 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया है राम मंदिर का निर्माण के लिए। ये सब सभी संतों का आशीर्वाद से हुआ है। अभी एक तीसरा रथ यात्रा का ऑफिशियल औद्योगिक घोषणा करने के लिए एक पवित्र मंच में हम खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। ये तीसरा रथ यात्रा राम राज्य रथ यात्रा नहीं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी का दिग्विजय यात्रा, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध अभी होने वाला है। ये साल ये धरती से, ये अयोध्या जी से अगले विजयदशमी को अक्टूबर 5 तारीख को इधर से प्रारंभ होगी। अक्टूबर 5 तारीख को है विजयदशमी, वो विजय यात्रा शुरू करने के लिए वो तिथि अच्छा है, इसलिए ऐसा एक फैसला हमने लिया है। विजयदशमी से गीता जयंती तक अक्टूबर 5 तारीख से दिसंबर 3 तक 2 महीने का रथ यात्रा, 15,000 किलोमीटर का रथ यात्रा वो करने के लिए आपका सबका प्रार्थना सहयोग हमको चाहिए। अयोध्या जी से राम जी का विश्व दिग्विजय यात्रा होने वाला है, वो गोरखपुर से होते हुए जाएंगे जनकपुर, जनकपुर से 4 राज्यों से होते हुए वो रथ यात्रा पहुंचेंगे हरिद्वार में, हरिद्वार से जम्मू, जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे, कन्याकुमारी से ऊपर बंगाल तक आ जाएंगे, बंगाल से बिहार, बिहार से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या। वो रथ यात्रा अयोध्या में प्रारंभ होगा, अयोध्या जी में भी उसका समापन, संपूर्ण समापन होगा। राम राज्य का पुनस्थापना के लिए कर रहे हैं, ये भारत को विश्व गुरु बनाना है ऐसा एक संकल्प हमने लेके हुए कर रहे हैं। उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आज इस सभा में ये पुण्य तिथि में महान गुरु जी के 84 का वो वर्ष पूरा हो जा रहे हैं, अभी ये दिन में करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। महाराज ने हमको एक मौका इसके लिए दे दिया है, मैं आभारी हूँ। इसीलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहता, कई संत इधर बैठ रहे हैं, इधर विराजमान है, लेकिन एक बोलना ही है, क्योंकि हमको दिल्ली है, हमारा पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमको एक कल्चरल राजधानी नहीं है। एक कल्चरल राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी हमको चाहिए, वो अयोध्या जी है। राम राज्य का राजधानी अयोध्या जी है। वो सब संत लोग इकट्ठा होकर अयोध्या जी को हमारा कल्चरल राजधानी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सबका सहयोग देना है, हम सबको प्रार्थना कर रहे हैं। सभी संतों को नमन करते हुए मेरा वाणी का विराम करता हूँ। जय सियाराम। 3 बार बोलिए, रामनवमी का, राम मंदिर का निर्माण हो रहे हैं, हम सबको खुशी है, लेकिन वो खुशी ये दुनिया में पूरा फैलाना है, इसीलिए बोल दीजिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। और एक बात, ये बड़ा कार्यक्रम, पवित्र कार्यक्रम पूरा दुनिया में दिखाने के लिए एक चैनल, तत्वमयी चैनल हमारे साथ केरल से पहुंच गए परसों इधर, अभी पूरा दुनिया देख रहे हैं महाराष्ट्र का ये कार्यक्रम।
अभी उसको भी मेरा मेरा थैंक्स देते हुए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। पेश किया बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।